एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन देयर कैन बी डिफरेंट मोड्स, कई सारे मोड्स हो सकते हैं। मेनली किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के 6 मोड्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? सेल, लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट्स और एक्शनेबल क्लेम। अपने कल के वीडियोस में हमने सेल मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया और हमने सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उन्हें देखा नोट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, विच इज मॉर्गेज। और इसी के साथ हम आज से चैप्टर 4 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 58 to 104। ठीक है, चैप्टर 4 कहता है मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखें तो एक है मॉर्गेज और दूसरा है चार्जेस, और हम इन्हीं दोनों टर्म्स के बारे में अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल आज हम सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 58 मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करता है। जैसे मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज मनी क्या होता है और मॉर्गेज डीड क्या होता है। ऑलराइट, देखो तो एक बात तो क्लियर है, मॉर्गेज इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर। अब अगर हम मॉर्गेज के लिटरल मीनिंग को देखें तो ये कहता है मॉर्गेज इज एन अग्रीमेंट। मॉर्गेज क्या है, ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन यू एंड लेंडर। लेंडर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिससे आपने कुछ लिया हो, तो उसे आप क्या कहोगे, लेंडर कहोगे। तो मॉर्गेज अग्रीमेंट है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड लेंडर। ऑलराइट, और कह रहा है कि इट गिव्स लेंडर, ये लेंडर यानी जिस पर्सन से आपने कुछ लिया है उसे ये राइट देता है। ये अग्रीमेंट यानी मॉर्गेज क्या करता है, लेंडर को कुछ राइट्स देता है। जैसे टू टेक योर प्रॉपर्टी, कि लेंडर आपसे आपका प्रॉपर्टी ले सकता है इफ यू फेल, यदि आप फेल हो जाते हो मनी को रीपे करने में, यानी मनी को जो आपने उससे लिया था उसे लौटाने में अगर आप फेल हो जाते हो, तो ये मॉर्गेज जो कि एक अग्रीमेंट है ये लेंडर को राइट देता है कि वो आपके प्रॉपर्टी को आपसे ले सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज। मॉर्गेज को हिंदी में हम बंधक कहते हैं। आई होप अब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि मॉर्गेज क्या है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी से लोन लेता है, राइट, एंड इन रिटर्न, और इस लोन अमाउंट के रिटर्न में क्या करता है, अपना लैंड, अपना जमीन एज ए सिक्योरिटी बी के पास रख देता है। ए एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, ये मिस्टर बी से कुछ पैसे उधार ले रहा है एज ए लोन अमाउंट, और उसके बदले में एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि जो लेंडर है इस केस में बी, इसे कुछ सिक्योरिटी चाहिए
अपने डेब्ट को सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो इसने क्या किया, मिस्टर ए का जो लैंड है उसे एज ए सिक्योरिटी रख लिया। तो यहां आप देख रहे हो, हियर लोन अमाउंट विच इज टेकन बाय ए, जो कि ए ने लिया है वो क्या है, सिक्योर किया गया है अगेंस्ट लैंड ऑफ ए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉर्गेज है वो क्या है, इट इज अ टूल, ये एक टूल है फॉर सिक्योर डेब्ट्स, यानी डेब्ट्स को सिक्योर करने का एक टूल है मॉर्गेज, क्लियर। चलिए अब देखो, अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज को देखें तो मॉर्गेज के चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और ये चारों एसेंशियल एलिमेंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स याद रहते हैं तो आप डेफिनेशन को भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, पहला एलिमेंट इसका कहता है, अंडर मॉर्गेज, मॉर्गेज में देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ मॉर्गेज में किस चीज का ट्रांसफर होता है, यू विल से मॉर्गेज में इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। एग्जांपल के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखो, ए ने अपना लैंड एज ए सिक्योरिटी बी के पास रखा अगेंस्ट लोन अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे मिस्टर ए का इंटरेस्ट था इस प्रॉपर्टी में, बिकॉज ही वॉज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। इन्होंने कहा है कि अगर इनकेस मैं लोन के अमाउंट को रीपे करने में फेल हो जाऊंगा तो आप मेरे प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना। यानी आप देख सकते हो कि जब तक ये लोन का पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, मिस्टर बी के पास है। यानी इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, लैंड में, उसे क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी के पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आ गया है, ठीक है। तो मॉर्गेज में प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, क्लियर। दूसरा क्या है, देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट मल्टीपल। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एज ए सिक्योरिटी रख रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट, वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लो, इस केस में मिस्टर ए अगर मिस्टर बी से लोन ले रहा है तो वो एक स्पेसिफिक लैंड को, यानी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं बी के पास। वो ये नहीं कह रहा है कि इस लोन अमाउंट के बदले में मेरी चार पांच लैंड है, आप इनमें से किसी एक को एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख लेना, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी होगा एज ए सिक्योरिटी, इट मस्ट बी वॉट, इट मस्ट बी स्पेसिफिक, क्लियर। चलिए कह रहा है, एडवांस कैन बी टेकन अगेंस्ट मॉर्गेज एट एग्जिस्टिंग डेट और समटाइम्स आफ्टर इन फ्यूचर। अब देखो, अब हो सकता है कि जिस डेट पे, जिस टाइम पे मिस्टर ए ने अपना ये जो लैंड है एज ए सिक्योरिटी मिस्टर बी के पास रखा, हो सकता है कि उसी समय वो एडवांस, मतलब लोन अमाउंट को बी से ले ले। तो एडवांस मनी कैन बी टेकन एट द सेम टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज केप्ट एज सिक्योरिटी। या तो हो सकता है कि इस लैंड को इन्होंने अभी के लिए एज ए सिक्योरिटी अंडर मॉर्गेज बी के पास रख दिया, लेकिन एडवांस जो है, यानी जो मनी है,
इट विल बी टेकन बाय ए आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर. वो बाद में मिस्टर ए ले ले, लेकिन अभी के लिए उन्होंने अपने लैंड को एज ए सिक्योरिटी मिस्टर बी के पास रख दिया है. ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि एडवांस जो है इट कैन बी टेकन अगेंस्ट मॉर्गेज एट एग्जिस्टिंग डेट और सम टाइम्स आफ्टर इन फ्यूचर. क्लियर. चौथा कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट रिजल्टिंग इन पेक्यूनियरी लाइबिलिटी. अब देखो जो अग्रीमेंट है यानी जो मॉर्गेज है वो कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है कि अभी के लिए मैं अपना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास एज ए सिक्योरिटी रखता हूं, फ्यूचर में इस डेट पे मुझे इतना अमाउंट चाहिए. यानी ये आपका पेक्यूनियरी लाइबिलिटी है कि इस डेट पे आप मुझे इतना पैसा दोगे. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. तो जो परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट है यानी मॉर्गेज, इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ पेक्यूनियरी लाइबिलिटी इन फ्यूचर. ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज. क्लियर. आगे तो आई होप कि मॉर्गेज क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखो सेक्शन 58 अपने आप में मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करता है. जैसे मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज मनी क्या होता है और मॉर्गेज डीड से आप क्या समझते हो. अब देखो सेक्शन 58 को अगर हम देखें तो ये अपने आप में 7 क्लॉजेस में डिवाइड है और एग्जामिनर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, ये सेक्शन 58 के किस क्लॉज में डिफाइंड है. तो ये सारे टर्म्स टू बी स्पेसिफिक सेक्शन 58 के क्लॉज ए में डिफाइंड है. ठीक है, चलिए और क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस को डिफाइन किया गया है जिसे हम अपने कल के वीडियोस में समझेंगे. आज हम सेक्शन 58 के क्लॉज ए में जो भी डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, इन्हें समझते हुए चलेंगे. क्लियर, चलिए. तो देखो मॉर्गेज क्या है, कहता है व्हेनेवर एनी एडवांस इज टेकन, जब कभी भी कोई एडवांस लिया जाता है यानी एज ए लोन लिया जाता है किसी पर्सन से, कह रहा है देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट होता है ट्रांसफर का, क्योंकि वो एडवांस ले रहा है लेंडर से तो वो क्या करता है एज ए सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पास तो रखता ही है, साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट का ट्रांसफर करता है. क्लियर. दूसरा कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक, इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होना चाहिए. तीसरा कहता है एडवांस मे बी टेकन, जो एडवांस है वो एग्जिस्टिंग डेट पर लिया जा सकता है या विल बी टेकन सम टाइम्स आफ्टर इन फ्यूचर. ठीक है, और फोर है परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ पेक्यूनियरी लाइबिलिटी. ठीक है, यानी जो मॉर्गेज अग्रीमेंट है उसमें क्या है, उसमें यह है कि एडवांस आप समटाइम्स आफ्टर इन फ्यूचर में लोगे, लेकिन अभी के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो एज ए सिक्योरिटी लेंडर के पास रख दे रहे हो. ठीक है, ओके. तो ये है मॉर्गेज. अब देखो अब इससे रिलेटेड टर्म्स को हम समझ लेते हैं. जैसे मॉर्गेजर कौन है, देखो
मॉर्गेजर, देखो मॉर्गेजर का मतलब होता है ट्रांसफरर, ट्रांसफरर, ठीक है। जैसे ए और बी, यह एग्जांपल लेते हैं, ए ने मिस्टर बी से लोन लिया था और इसके बदले में अपना पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एज ए सिक्योरिटी बी के पास रखा था, ठीक है। तो यहां आप देखो कि मिस्टर ए लोन के अगेंस्ट में अपने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर बी के पास, तो ही इज व्हाट, ही इज ट्रांसफरर। आप सिमिलैरिटीज देखो, मॉर्गेजर ट्रांसफरर, तो मॉर्गेजर कौन होता है, ट्रांसफरर होता है, हु ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है अगेंस्ट एडवांस बीइंग टेकन बाय हिम, ठीक है। तो आप देखोगे मॉर्गेजर इज ट्रांसफरर, कौन है, ट्रांसफरर है, हु ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट एडवांस टेकन, क्लियर। नाउ मॉर्गेजी कौन है, देखो मॉर्गेजी, मॉर्गेजी होता है ट्रांसफरी, तो मॉर्गेजी ट्रांसफरी, सिमिलैरिटीज देखो, मॉर्गेजी ट्रांसफरी, मॉर्गेजर ट्रांसफर, क्लियर। अब देखो इसी केस में मिस्टर ए ट्रांसफरर था, क्योंकि ये अपने इस पीस ऑफ लैंड को बी को ट्रांसफर कर रहा था, बी क्या कर रहा है, इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, he is what? ये वो पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं, क्लियर। तो मॉर्गेजी इज ट्रांसफरी, हु रिसीव्स, जो क्या करता है, रिसीव्स करता है, हु रिसीव्स इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो मॉर्गेजी इज अ पर्सन हु एडवांसेस लोन टू मॉर्गेजर, ऑलराइट, अगेंस्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। फिर देखो मॉर्गेज मनी क्या है, मॉर्गेज मनी, तो देखो यहां पे मॉर्गेज मनी क्या है, लोन अमाउंट है जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लिया है, ऑलराइट। तो आप लिखोगे मॉर्गेज मनी इज टेकन, यानी आप लिखोगे मनी विच इज टेकन, विच इज टेकन एज अ क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैंने जिस मनी को लिया, यानी ट्रांसफरर ने जिस मनी को लिया, वही क्या है, मॉर्गेज मनी, क्लियर। और लास्ट है आपका मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड, देखो जब कभी भी हम मॉर्गेज को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या उसे रिटन इंस्ट्रूमेंट में बदलते हैं, उसे एक रिटन फॉर्म देते हैं, वो कहलाता है मॉर्गेज डीड, क्लियर। तो आप लिखोगे व्हेन मॉर्गेज इज केप्ट इन रिटन फॉर्म, जब हम मॉर्गेज को रिटन फॉर्म में बदल देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड
इनटू डीड, वो एक डीड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। क्लियर? या आप कह सकते हो कि मॉर्गेज डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑलराइट, जिसपे क्या है, जो इंटरेस्ट का ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो मॉर्गेज डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बेस्ड। क्लियर? तो ये था मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स, जिसे हमने सेक्शन 58 क्लॉज ए में समझा। अब अपने कल के वीडियोस में हम क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 58 के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को डिफाइन करता है, और साथ ही हम सेक्शन 59 भी पढ़ेंगे। तो आई होप इस वीडियो में मॉर्गेज क्या है वो आपको एकदम सिंपल मैनर में समझ में आया होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।